Nature's beauty dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. Allahu alladhi yahdina jami'an, Allahu alladhi na'tiz bihi jami'an. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. Rehmate बरकतों से दामन भरता है तू वेस्ता मश्तक्स्त अंत बाम है टेक्स्त वह तुम जगह बेत उन चिक तुम स्टील्फ अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाह प्लीज मेरे भाई साहब प्लीज हमारी तरफ से हमारे
अगर हमने कुछ में तकलीफ पहुंची है सुबह से, तो सबसे पहले मैं आप सबसे माफी चाहती हूँ और मैं आप सबको माफी चाहती हूँ, आप सबसे माफी चाहती हूँ। और आप भी समझ सकते हैं मैं सबके प्रॉब्लम एक बार सुन नहीं सकती। अब हर कोई पर्सनल बात करना चाहते हैं, अपने तकलीफ को सुनाना चाहते हैं। और सबसे पहले मैं एक बात बताती हूँ, और मुझे हीरा ग्रुप की कंपनी 30 साल से चलती है, कभी आपको तकलीफ नहीं दी थी हीरा ग्रुप ने, कभी आपके पेमेंट में डिले नहीं किया था, कभी आपके लेने देने में, कभी आपके ज्वेलरी में, कभी नहीं किया था। एक तकलीफ आई तुम पर भी और मुझ पर भी, उस तकलीफ की वजह से हम सब तकलीफ में हैं। मगर आज सुप्रीम कोर्ट जो इंडिया की सबसे बड़ी अदालत है, मैं सैल्यूट करती हूँ उस कोर्ट को, उन्होंने हमारे बिजनेस को रिस्टार्ट करने का परमिशन दिया और उन्होंने हमारे बिजनेस को रन करने का परमिशन दिया और तुम्हारे लिए भी आदेश किया कि SFIO के पास तुम जाके डिपॉजिट करो। तुम्हारे लिए छोड़ा नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने मुझे, पहले उनके पास तुम डिपॉजिट करो। जो लोग तुम्हें नापसंद करते हैं वो क्या करे, SFIO के पास जाए, जो तुम्हें पसंद करते हैं वो तुम्हारे पास आए। अगर यहाँ कोई नापसंद का बंदा आके आवाजें कर रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, तो मैं समझती हूँ कि वो मेरा मेंबर नहीं है। अगर मेरा मेंबर है, अगर वो एक दिन भी कंपनी की कमाई से खाना खाया है, अपने पेट को भरा है, तो वो कभी भी धोखा गलत नहीं करेगा। आज मैं इतनी बड़ी तकलीफ लेकर इतनी परेशानी लेकर मैं आई हूँ आपके सामने और आपको फेस करने के लिए। सबने मुझे कहा आप क्यों जाते हो, क्या जरूरत है जाने की। मैं बोली नहीं, मेरे मेंबर तड़पते होंगे, मेरे मेंबर रोते होंगे, क्योंकि 3 साल उन्होंने मुझे देखा नहीं है। सुनिए, 3 साल उन्होंने मुझे देखा नहीं है। 27 मुझे अरेस्ट किया गया, मैंने इन्वेस्टिगेशन में एक ही बात बताया, मुझे मेरे मेंबर को पैसे देना है। अगर उनको देना है तो मैं जरूर दूंगी। बैंकों में पैसा पड़ा हुआ है, मेरे प्रॉपर्टीज है, मेरे पास सोर्सेस है, मुझे नाक से अंदर करके मुझे सता रहे हैं। मेरे लोगों को पहले रिलीफ करो, मेरे लोगों को तकलीफ से बचाओ। मैंने हर जगह पर एजेंसी को एक ही जवाब दिया है, आज यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह वो एजेंसी भी छूटे होंगे। मैं आज भी SFIO को फेस करके एक ही बात बोलती हूँ, मुझे तकलीफ नहीं है, मुझे मेरे लोगों की तकलीफ को दूर कर दो। सबसे पहले मैं अल्लाह से सबसे ज्यादा डरती हूँ कि मुझे तुम्हें किसी को भी अगर देना है तो मुझे रोकने का काम नहीं है। अब मैंने सारा बिजनेस स्टार्ट किया, कुकटपल्ली माल स्टार्ट किया है, तिरुपति माल स्टार्ट किया, लास्ट मुझे मुंबई में स्टार्ट करना था महाराष्ट्र में। तो आज मैंने ये बेलापुर ऑफिस जो है, ये हमारी वन ऑफिस है, ये तुम्हारे लिए है ऑफिस। ये ऑफिस आज के दिन से 10 बजे से 7 बजे तक खुली रहेगी ऑफिस। तेलंगाना हाई कोर्ट ने कंपनी को कहा कि कंपनी इलीगल नहीं है, कंपनी के ऊपर इलीगल FIR थे और FIR को क्वाश किया। सुप्रीम कोर्ट ने हमें बिजनेस स्टार्ट करने की इजाजत दी है, अल्लाह का फजल है, सब स्टार्ट हो गया है। अब डेटा के लिए सुप्रीम कोर्ट में हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। देखो एक बात है, मितक मेरे साथ खड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनके साथ खड़ी हूँ, इसीलिए यहाँ पर आई हूँ। अभी मैं आपको 25-25 लोगों को या 20-20 लोगों को टाइम दूंगी, अलग अलग बात करूंगी इंशाल्लाह। والعزي والله بنادينا نخوض البحر بهالسفينة ونرفعها رايتنا بينا غير والعزي والله بنادينا نخوض البحر بهالسفينة ونرفعها رايتنا بينا غير. السلام عليكم. الحمد لله الله کا بہت بڑا فضل ہے کہ واپس کی راتوں کی شروعات ہوئی آپ سب फिर से अपनी ऑफिस में बैठे हुए यहाँ पर। और जो भी सुबह से हो रहा था, जो कुछ भी आपको तकलीफ पहुंची है, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ सबसे पहले। और हालात भी कंपनी के क्या थे वो आपको मालूम है, क्योंकि मैं कभी चाहकर ऐसा होना है करके मैंने नहीं किया। अगर करती तो वापस आती भी नहीं थी और आपको जवाब भी नहीं देती थी उस बात का। आज की इंशाल्लाह मेरी फाइट है कि आप सबके लिए इंशाल्लाह ये भी है, और आपके जितने भी एबीज दिए गए हैं इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर चक्कर
आपका रिकॉर्ड में परफेक्ट है तो इंशाल्लाह आप दो जगह पर कंप्लेंट में, यहाँ पर कंफ्यूजन क्या हो रहा है, कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में यार्ड हो गए, कुछ लोग आके आप समझ रहे हैं ना मेरी बात थोड़ा, कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में यार्ड हो गए, कुछ लोग SFO को चले गए, कुछ लोग हमारे पास हैं। सुप्रीम कोर्ट का आर्डर क्या है कि हीरा ग्रुप उन लोगों के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है जो उस पर भरोसा करते हैं, जो भरोसा नहीं करते हैं SFO में DD को जमा करो। मैं जैसे बाहर निकलते हैं 6 वीक का टाइम देकर मुझे DDs को जमा करने को कहा और सब सिक्योरिटीज डिपॉजिट करने को कहा, क्योंकि उनको मालूम होता है हम छुपाएंगे ना तो सुप्रीम कोर्ट छोटी कोर्ट नहीं है, कितना पैसा है कंपनी के पास, कितना नहीं है, कितना देना है कितना नहीं देना है, सब मालूम है। तो वहां पर DDs को भी जमा किया। तो यहाँ पर अगर इनमें से SFO में भी नहीं है और आप ना कंप्लेंट किए हैं तो इंशाल्लाह आप समझ जाओ कि जरूर 1 वीक में आपको कॉल आएगा और आपसे पूछा जाएगा। अगर आप बड़े इन्वेस्टर हैं या कंपनी बोल सकते हैं कि 2 टाइम 3 टाइम दे सकते हैं, ये आप कंटिन्यू करें तो जो डिजिटल गोल्ड अभी हमारा लॉन्च हुआ है अल्लाह के फजलो करम से, उस बिजनेस में आप जरूर कंटिन्यू भी इंशाल्लाह। अब हमारा एक ही मसला बाकी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 249 बैंक अकाउंट्स को ओपन कर दो कंपनी के, और हाईकोर्ट ऑफ तेलंगाना ने ये FIR सब इलीगल ही करके आर्डर दिया, वो सब तुम जानते ही है, जो जो फेस किया वो सब आप जानते हैं, कभी कभी हो जाता है जिंदगी में, इससे हमें काफी सबक भी और सीख भी मिल जाती है और हम उससे शर्म भी होते हैं कि हाँ ये सब कुछ है करके, मगर हमको सैल्यूट करना चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो बगैर एविडेंस के कोई कितने भी एलिगेशन लगा ले वो कुछ भी काम के नहीं है, भले कुछ टाइम लग गया मगर प्रूफ हो सकता है। तो आज भी आप लोग कोई घबराने की जरूरत नहीं, फिकर करने की जरूरत नहीं, आपके लिए आई हूँ यहाँ पर, मेरा कोई काम नहीं था। आज मुझे सुबह में 9 बजे मैसेज तक आया कि आज तो तुम्हारा जान चले जाएगा, ऐसा कर देंगे लोग करके, बहुत सारी बातें आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सार का भी बहुत शुक्रिया कि बहुत अच्छे से उन्होंने हैंडल किया है, और मैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, मेरी इतनी अच्छी टीम काम किया, मतलब इतना मैं भी आकर देखकर मुझे भी नहीं मालूम था, क्योंकि जो आए थे वो लोग रजिस्ट्रेशन में भी नहीं, उनको सबमिट भी नहीं है, ओनली सब लोग अंदर आ गए, तो उस वक्त हमें कुछ भी नहीं कर सकते। कल से ये ऑफिस 10 बजे से 7 बजे तक खुली रहेगी और इंशाल्लाह आप लोगों को जैसे सेंट्रल ऑफिस में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मिलता है वो अपॉइंटमेंट को आप लेकर आकर आपके जरूरियात को हमारे स्टाफ के सामने बैठकर पूरे कर सकते हैं, यानी आपका घर खुल गया है, आपका दरवाजा महाराष्ट्र में खुल गया है इंशाल्लाह। और एक बात याद रखना कि अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी आपको लॉस करने के लिए कंपनी कभी भी नहीं सोचेगी, जो लोग रनिंग है इंशाल्लाह उनका उनके बच्चों का फ्यूचर डिजिटल गोल्ड में है, अल्लाह की फजल से अल्हम्दुलिल्लाह आगे चलकर कंपनी बहुत काम करेगी। अगर ऐसा मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता मैं तुम्हारे सामने नहीं आती, वहां पे ही बोल देती थी कोर्ट में कि नहीं मैं इनको दे नहीं सकती, मेरे पास सोर्सेस नहीं है, आप जो करना कर लो, क्या करना है कर लो, करके बोल के बोल दी तो आप थोड़े दिन रखे भी नहीं, सीधी बात है। नहीं मैंने 2.5 साल 27 एजेंसी 27 टाइम आरक्षण के ED से लेकर हर चीज से लेकर मुझे इन्वेस्टिगेशन किया, मेरा एक ही जवाब था कि मुझे मेरे लोगों को पेमेंट करना है, यहाँ पेमेंट है, यहाँ कोर्ट है, यहाँ प्रॉपर्टीज है, यहाँ कंपनी के पास सोर्सेस है, मैं कुछ नहीं किया है, मैंने बिजनेस किया है, तिजारत किया है, मैं कभी फ्रॉड नहीं किया है करके मैंने क्लियर किया है। और मैं बस यही आप सबको बोलना चाहती हूँ इंशाल्लाह, और ये जो भी लिए हैं अगर आप रियल कस्टमर ही एक बार चेक करेंगे ऐसे कई ओर से, अगर आपका वहाँ पर कुरियर में नहीं गया है तो आप हमारे लिए एप्लीकेबल होंगे, एक बार हम चेक करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जो एडिंग मेंबर हैं उसमें, अगर आप वो लिस्ट पे नहीं है तो आप एप्लीकेबल हो जाएंगे। उसके बाद जब कॉल आएगा आपको अगर 2 लाख है, अगर आप बोलते हैं कि इमरजेंसी में 50,000 चाहिए, तो इंशाल्लाह कंपनी बगैर चक्कर के बगैर डेटा के भी तुम्हारे लिए वो मदद कर सकती है। आज तक जब से बाहर आए हैं हजारों के लोगों को कंपनी पेमेंट करके और सुप्रीम कोर्ट को UTR के साथ बैंक स्टेटमेंट के साथ सबमिट की, वो भी हम चेकिंग करना पड़ेगा इसके अंदर, ये जो पेपर आप दिए हैं इस पर कल से काम शुरू होगा और कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है इंशाल्लाह। और एक बात भी याद रखिए, YouTube पे बोलने से पैसे तो नहीं मिलेंगे, गालियां मुझे दे देंगे पैसे नहीं मिलेंगे, अगर मार भी डालेंगे पैसे नहीं मिलेंगे, अगर आपको जो जो मेरे से करना है कर लो, मैं तैयार हूँ तुम्हारे लिए, अगर तुम उसमें खुश हो जाते हैं तो मैं ही खुश हूँ, मुझे तुम्हारी खुशी जरूरत है इसीलिए मैं आई हूँ, मगर वो भी नहीं मिलेंगे। मगर हम कंपनी में सब मिलकर वापस काम करेंगे
तो तुम्हारे पैसे आराम से मिल जाएंगे, इंशाल्लाह कहीं भी नहीं जाएंगे कंपनी के पास। अगर 10% लोगों को देना है तो 100% सोर्सेस है। मैंने सुप्रीम कोर्ट के सामने सील डेवलप कर दिया है, 17 ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के ही, आप चाहे तो देख सकते हैं। उसका बार कोड भी हमने बना दिया है, क्यू आर कोड भी बना दिया है। वो क्यू आर कोड पे जाएंगे तो आपको 17 सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर मिलेंगे। तो उसमें मैंने टोटल सबमिट कर दिया है, ये मेरे कस्टमर है, इनको मुझे देना है, जिनको देना है देना है, जिनको दे दिया है मुझे चेक करना है। सारे ऑर्डर जो है 17 सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर एक बार क्यूआर कोड तैयार है, उसमें आप चेक कर सकते हैं। इसमें आपको तकलीफ पहुंचाने का मेरा एक राई के दाने का बराबर का भी इरादा नहीं। मैं जब अंदर भी थी, मैं तहज्जुद की नमाज पढ़कर रात में 3 बजे यही दुआ करती थी कि अल्लाह मेरे सांसों को जिंदा इसलिए रखना कि मुझे जाकर लोगों की अमानतें अदा करना है, मुझे बेअमानत बनाकर जमीन से नहीं लेके जाना, मुझे अमानतदार बनाकर लेके जाना। मुझे ये दौलतें बहुत सारी अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो ऑफिस है पूरे इंडिया में जितने भी अभी मार्ट बार खुले वो पूरे हमारे फोन है, रेंट के नहीं है, और वो बैंक से लिए गई प्रॉपर्टी है, कहीं किसी बगैर हिसाब के अनट्रेसेबल अमाउंट के कोई नहीं है, ना किसी ईडी के पास, ना किसी के पास ऐसा प्रूफ नहीं है। लाइव जा रहा है, मैं खुला बोल रही हूँ ना कि कभी भी मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, ये मुझे यकीन है। मगर आप भी इंशाल्लाह थोड़ा सब्र कर लेंगे और बहुत जल्द सबके तकलीफों को हम हल करेंगे। मगर तुम्हारा सपोर्ट ही है, अल्लाह ने मुझे वापस लाया, फिर से ये लाइट सील दी, आपकी जिंदगियों में भी रोशनी आएगी, और जो तुम्हारा पेमेंट है उसकी रोशनी आप पर या आपके बच्चों पे भी पड़ेगी इंशाल्लाह। और मुझे वो उम्मीद है कि कोई बंदा मेरे तक पहुंच ही नहीं पाएगा, मैं सबका क्लियर कर दूंगी, तो मैं उसके घर को पैसा लेके जाऊंगी या किसी को भेजूंगी देकर कि चलो तुमने भूल गए थे, देखो लिस्ट में इतने लोग भूल गए हैं, उनको भी मुझे देना है, क्योंकि मुझे अल्लाह का भी डर है। मैंने जजेस को भी यही लेटर लिखा है कि मैं रेडी हूँ, मेरे पास देने को सब तैयार है, मगर सोर्सेस ऐसा बंद किए हुए। मेरे 249 अकाउंट ओपन करो करके आप पढ़िए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, 3 बार सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। अब कहीं जाएंगे तो किसी और का लेटर चाहिए, बयान में बात को समझ नहीं पाती है, कोई बोलते नहीं कोई और का लेटर चाहिए, ऐसे काफी चीजें आ रहे हैं। मगर बहुत जल्द इंशाल्लाह फरवरी 9 को अल्लाह के फजल से, हमें उम्मीद है अल्लाह की जात से, जब तक हमारे सारे मसले खत्म हो जाएंगे। दूसरा एक ही मसला है डेटा सेंटर का, मगर बगैर डेटा सेंटर के भी हमने पेमेंट किया है, खाली आईबीजी को बैंक स्टेटमेंट को चेक करके कि ये बंदा अगर बैंक में, क्यों कभी भी आप जानते हैं कि हीरा ग्रुप ने 1 भी रुपया कैश आपको ले लिया। अब जो दूसरे लोगों पे भेजते हैं कि उसको दिया था, उन्हें एमडी था, उन्हें स्टाफ था, यहाँ एक मैनेजर बैठा था, एग्जाम्पल, क्या तुमने वो मैनेजर को पैसे दिया है? नहीं ना, उस पर भटकने का कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि तुमने हीरा ग्रुप के अकाउंट में पैसे दिया है। जब तुम्हें प्रॉफिट भी आता तो हीरा ग्रुप के अकाउंट से तुम्हारे अकाउंट में आता था, वो मैनेजर को तो नहीं जाता था, वो बेचारा सैलरी को काम करता था। ये भी हमने सुप्रीम कोर्ट को सबमिट कर दिया है। इसलिए चारों तरफ मत भागो मेरे भाइयों, मैं तुमसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मैं तुम सबके लिए आई हूँ और मैं 10 दिन यहाँ पर बैठूंगी और हमारे शोरूम्स को ओपन करूंगी और रिस्टार्ट करूंगी। कल से हमारे वहाँ के ज्वेलरी के काम वगैरह सब स्टार्ट होंगे इंशाल्लाह, और अल्लाह के फजल करम से कंपनी को और इंटरनेशनल लेवल में, डिजिटल गोल्ड को इसलिए लॉन्च की हूँ कि इसको इंटरनेशनल लेवल में मुझे लेके जाना है। ये जो 3 साल हमें बैक हुए थे, 1 साल में 10 साल का बैकअप लेना है इंशाल्लाह, ये मेरा टारगेट है, ये जरूर हो के रहेगा। और जो लोग कंटिन्यू ही ये बिजनेस में, आप कंटिन्यू हैं, अगर 6 महीनों में डिक्लेयर हुआ, 4 महीनों में डिक्लेयर हुआ, तुम बिजनेस पे कंटिन्यू हो इंशाल्लाह। अल्लाह का फजल था कि एक्सचेंज में हमें $54 से हमारा अकाउंट छोड़े थे, और अल्लाह का फजल है कि आज $91 है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। और हमारा लीगल बिजनेस है, वाइट बिजनेस है, क्लियर बिजनेस है, किसी से डरने का नहीं, कुछ भी नहीं है इंशाल्लाह, क्योंकि हालत वैसे आते ही प्रूफ कराने में लग गया 2.5 साल, हम सच्चे हैं, हमने गलत नहीं किया करके प्रूफ कराने में 2.5 साल लग गया। मगर एक ही शर्त पे थी मैं कि मैं आऊंगी, मैं फेस करूंगी, तुमको बात करूंगी, तुमको बताऊंगी। बैठ जाना, छुप जाना, डर जाना, ये मेरी फितरत में नहीं है, और जिम्मेदारियों से भागना मेरी फितरत में नहीं है। बस मैं यही बात बोलना चाहती हूँ। जज़ाकअल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मेरी अब्बा, मुझे एक आपसे बात पूछनी है, अगर इजाज़त हो आपकी। जी। मेरी बहन, मेरे वालिद साहब हॉस्पिटल में है। जी। आपकी बातें सब जायज है, अगर अल्लाह न करे उनको कुछ होता है तो मेरा पैसा किस काम का है? प्लीज, आपका सवाल हो गया ना, मैं जवाब देती हूँ। देखिए, आप यहाँ पर खड़ कर बोल रहे हैं, आप इनो मेंबर है क्या? नहीं, मुझे नहीं मालूम एग्जैक्ट। जी बिल्कुल, जब आप मुझे लिख कर देंगे तो मैं आपकी अब्बा की मदद नहीं करूंगी, तो जब गलत बात हो। मैं माफी चाहूंगा, वापस आपकी बात काटते हैं। मैंने कम से कम 20 से 25 बार कॉल करा हूं हीरा कोल के हैदराबाद ऑफिस में, आप तक कि उन्होंने मुझे व्हाट्सएप कर दिया। आप अपने दिन की
की बात छोड़ दिए, अब मैं महाराष्ट्र का दरवाजा खोल के मैं तुम्हारे सामने आई हूँ। आप मुझे व्हाइट पेपर में लिख के दीजिए, अगर वाकई आप उसमें इमरजेंसी भी लिखी है और उनकी अब्बा की तबीयत की बात भी व्हाइट पेपर पे लिखा, जो भी लिखते ही उसमें अपना रिकॉर्ड। आप आपने यहां पता करा जगह है, मैं आपके साथ, आप सब एक बात कह दो, मैं आप सब मेरे साथ है, मेरी बहन ये भाई आपके जब भी तो इतनी देर तक वेट करे, फोन करती वेट ले तो इतनी देर, आपने इतना वेट क्यों किया, आप सब मेरे साथ है, आप सब मेरे साथ है, मैं जीत कर आई थी। मेरी अब्बा मेरे वाली साहब का आधा पैर कटा था, भाई पास हुआ, अल्लाह से दुआ करिए, एक बार आपकी है, आपका आईबीजी भी जरूरत है, आपके वालिद साहब की मदद करने को मैं रेडी हूं, आपका आईबीजी को छोड़ दीजिए, आपके लिए करूंगी इंशाल्लाह, जो जैसे भी पॉसिबल होगा, क्यों करके बोले तो बहुत ये वो बातें करने से काम नहीं होगा, हमको काम करना है, बातें नहीं करनी, बस इंशाल्लाह। 17 वाले रहो या 2008 वाले रहो या 2010 वाले रहो, जब तक मैं आपको क्लियर नहीं करती मैं सांस नहीं लेती, क्योंकि मेरे ऊपर वो एक अमानतदारी और एक जिम्मेदारी है इंशाल्लाह। और दूसरी बात, जो लोगों को ये कहा गया था कि बेनिफिट जो है हम काट कर देंगे, दिए भी ही बहुत सारे लोग, वो किस मौके में, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का आर्डर हुआ है, एक तरफ अकाउंट फ्रीज है, एक तरफ आप लोग पैसे मांग रहे हैं, उस टाइम पे हमने क्या कहा, भाई तुम कितना पैसा मिला है वो पैसा पकड़ लो, अभी तुमको इस हालत में जाना है ना, तो बाकी का पेमेंट लेके चले जाओ। ये भी आज तक मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में कोई कंपनी की नहीं है, एग्जांपल भी आप नहीं दे सकते इसे, अल्हम्दुलिल्लाह किया है, मगर अब जो लोग कंटिन्यू है, अब बिजनेस रन हो गया है, अल्लाह के फजल से अब 2-3 महीने जो भी ट्रेनिंग दे देते, उसके बाद कंपनी के जो पॉलिसीज होंगे पहले वाले सेम पॉलिसीज रहेंगे, ना किसी का पैसा काटा जाएगा, ना किसी का पैसा तोड़ा जाएगा, ना किसी का पैसा छुआ जाएगा, क्योंकि कंपनी के पैसे वापस रन होंगे, और कंपनी के पैसों से जो है इंशाल्लाह, आप एक मिनट, कंपनी ने डिजिटल गोल्ड को कई गुना क्यों लॉन्च किया है, कि तुम्हारे बेहतर के लिए, भलाई के लिए, फ्यूचर के लिए। बहुत सारे लोगों ने बाहर आने के बाद दबाया है कि अब इतना होने के बाद फिर भी क्यों उनकी फिक्र, क्या जरूरत है, मगर मुझे रात दिन फिक्र है, क्योंकि मुझे मेरे देश की इकोनॉमी को ग्रोथ करना है, और मेरे नौजवान बच्चों को जो है जॉब देना है, और घर वालों को बेरोजगारियों को रोजगार। चलो मैं तो अंदर थी, हमारी कंपनी को तकलीफ आई थी, जो पैंडमेटिक आया था उसमें कौन सी कंपनी आगे बढ़ी है मुझे बताओ, बड़े बड़े कंपनियां डूब गए, बड़े बड़े कंपनियां एक पैसा वापस नहीं किए, सब लोग एड्रेस तक नहीं है। इंशाल्लाह मैं तुम्हारे सामने क्यों आई हूँ आज, तुम्हें इंसाफ दिलाने के लिए, और तुम्हारे पेमेंट्स को रिटर्न करने के लिए, और कंपनी के पास अल्लाह ने सोर्सेस दिया है, सुप्रीम कोर्ट के 17 ऑर्डर्स देख लीजिए, 17 ऑर्डर्स में मेरा एफिडेविट क्या है आप देख लीजिए, वो एफिडेविट में मैंने एक ही लिखा है कि मुझे मेरे लोगों को पेमेंट करना है, प्रॉपर्टियां सेल करने की इजाजत दे दो मुझे करना है, अकाउंट डीफ्रीज करो, 249 अकाउंट थी उसको डीफ्रीज करो, मुझे मेरे लोगों को पेमेंट करना है, और अकाउंटों में पैसा पड़ा है मेरे लोग क्यों तकलीफ उठाना है, और गोल्ड है जो भी है जैसे भी सेटलमेंट करना है मैं करूंगी, और इंशाल्लाह जो है अल्लाह की फजल से वो मेरा वादा पक्का है। आज मुझे मालूम था ये रिस्क होने वाला था, पूरी पब्लिक आएगी घेरेगी, क्योंकि आप 4 साल से 3 साल से एक तरफ मेरी तकलीफ को देख के बर्दाश्त किए ही, एक तरफ आके तुम अपने हालात से भी बर्दाश्त किए, मुझे ये भी मालूम था, मगर फिर भी मैं बोली इसको फेस करना जरूरी है। एक मिनट, आप जो भी साथ थी मैं उन सबके लिए दुआ, आप बात करिए, जरूर बात करिए मेरी बात के बाद, आप जो भी साथी में उसका शुक्रिया मैं अल्लाह के सामने अदा करूंगी, तुम्हारे सामने अदा करके कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि जो साथ खड़े थे, जो रोते थे, आप लोग कोर्ट्स में आते थे, मुझे देखते थे, तुम्हारे आंखों का आंसू, तुम्हारे हाथों में बॉटल पानी पकड़ के खड़ना, हर चीज में गौर करती थी, ऐसा नहीं कि मैंने गौर नहीं किया है, मगर अल्लाह से आज दुआ है, मैं बड़ी खुश हूँ कि अल्लाह ने फिर से हमारे लाइटों को चमकाया, फिर से हमारे मार्केटों को चमकाया, फिर से अल्लाह ने हमारे शोरूमों को शुरू किया, फिर से अल्लाह ने हमारे बिजनेस को शुरू किया है। रब्बुल आलमीन इंशाल्लाह ये 3 साल जो डिले हुआ है हमारा ही नहीं बल्कि COVID-19 की वजह से तुम्हारे शापा भी नहीं चलेगी, जो शाप चलाते थे, जो दुकान चलाते थे, जो बिजनेस करते थे, जो मजदूरी करते थे, वो मजदूरों की भी हालत खराब हो चुकी है। तो आज अल्लाह के फजल से हीरा ग्रुप सही सलामत से और चैलेंज करती हुई, वादा करती हुई तुम्हारे सामने आई है, तुमको पेमेंट करने को तैयार है। आज जिनके भी पेपर करेक्ट हुएगी, आज 6 तारीख है, इंशाल्लाह 16 से 20 तारीख के अंदर तुम सब को कॉल आएगा, तुम्हारी इमरजेंसियों पर ख्याल किया जाएगा, और डेटा मिलने से पहले भी जिनको हम मुनासिब समझते हैं कि बीमार ही हेल्थ की इमरजेंसी, मैरिज की इमरजेंसी है, उनको कुछ ना कुछ मदद करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। सवाल किया भाई साहब ने कि देखो लोग आके अलग अलग
एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, अलग अलग बातें कर रहे हैं। हमारा डेटा एक यूएसबी में नहीं था, हमारा डेटा एक पेनड्राइव में नहीं था, हमारा डेटा ऐसी एक बड़ी बिल्डिंग में हमारा डेटा का स्ट्रक्चरल डेटा था। और 2013 से लेकर 2023 तक डेटा का प्लान और उसके यूएसबीज, उसके टीवीज पूरे भिजवाए। जो सॉफ्टवेयर जानती है वो तो ये बात को जानते हैं। अब लोग बोल रहे हैं कि वो यूएसबी में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा तो मैं सर्च कर पाऊंगी। आपके भी यूजर आईडी और पासवर्ड थे उसमें, आप सर्च कर पाएंगे, ये पॉसिबल है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में हर बार फाइट हो रही है कि मुझे वही असंबल करो जो चीज तुम लेके गए थे। मुझे पेनड्राइव में नहीं चाहिए क्योंकि वो डेट देना से मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे जिंदा डेटा चाहिए, लाइव डेटा चाहिए। जी जी इंशाल्लाह। आमीन। अल्लाह ताला आपको बरकत दे। और सुनिए, अल्लाह ताला आसानी करके रमजान में अल्लाह बहुत ही खुशियां तुम सबको दे। मैं कभी नहीं चाहूंगी तकलीफ हो। इंशाल्लाह दिन लिख कर कि तुमने 20 साल कंपनी चलाई है, महीने में हमें तकलीफ आई थी, रात में हमें तकलीफ आई थी, ये दिन में हमें तकलीफ आई थी, ये फलाने वक्त भी तो जरूरत मांगे कोई तो 24 घंटों में उनके पेमेंट अकाउंट में चले जाते थे। तुमको तकलीफ आई थी, मैं अरेस्ट हो जाने के बाद, सारे चीजें बंद होने के बाद तकलीफ आई। और मैं आकर एक साल हो गया जब से मैं ये क्लीनिंग में लगी हूँ, इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करने में लगी हूँ, जब से मैं ऑफिस के लिए लगी हूँ, आज दरवाजे तुम्हारे लिए खुल चुके हैं। अल्लाह से दुआ है कि इंशाल्लाह मैं बेहतर से बेहतर तुम्हारे लिए काम करके बताऊंगी। देखो, जब तक ये सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट नहीं आता, मैं पूरा डिक्लेरेशन नहीं करके तुमको पेमेंट कर सकती। हाँ, वक्तिया तौर पे कर सकती हूँ, जरूरत के लिए कर सकती हूँ, जो भी है। जब सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला आ जाएगा जी, उससे हम बैंक का स्टेटमेंट प्लीज। अगर कंटिन्यूसली कंपनी पहले कैसा एक दिन में हजारों लोगों का पेमेंट, लाखों लोगों का पेमेंट करती थी, वैसा करने के लिए डेटा पूरी असेंबल होना जरूरी है। मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है मार्च के महीने में ये हो जाना चाहिए हमको इंशाल्लाह, या फरवरी में हो जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से बार बार हमारा वही आर्ग्यूमेंट है, इंशाल्लाह हमारी इंसाफ होगी। क्योंकि डेटा, अगर ये भी होता है तो डेटा के लिए लेने में सोर्सेस भी है, उसके लिए भी आप फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बस सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का, फाइनल जजमेंट का वेटिंग में इंशाल्लाह कर रही हूँ। जदा कर रहा है, अस्सलाम वालेकुम। नहीं, अभी आपने जितने लोगों ने पेपर्स को जमा किया है ना, सुनिए सुनिए, अभी मैं बैठूंगी, वो सारे एबीजी नंबर्स निकालेंगे, उसको चेक करेंगे, उसमें आपके मोबाइल नंबर निकलेंगे, डेटा निकलेंगे, जो भी बेसिक हमारे पास है। आपने बोला समझाती हूँ, देखिए इतनी एक्सेल शीट तो हमारे पास है कि एबीजी मेंबर है क्या नहीं है हम समझ सकते हैं। अच्छा, आप आपकी तरफ से जो वेबसाइट आया था जिसके अंदर यूनिट शेयर सब अपलोड करके जी, उसको आपकी वेबसाइट पे अपलोड करना। हमारे पास सुनिए, हमारे पास कस्टमर के एबीजी मेंबर्स, सुनिए, डेटा किसको बोलते हैं जी, एक मिनट, डेटा किसको बोलते हैं? आपका ट्रांजेक्शन, आपका लेना, आपका देना, आपका विड्रॉल, आपका गोल्ड परचेज करना, आपका फुटेज परचेज करना, हर चीज डेटा में होती है। आपका रिकॉर्ड, एक मिनट, आपका रिकॉर्ड, उसमें तुम्हारा बैलेंस क्या है, वो हमारे लिए डेटा जरूरत है। अब हमें इतना पहचान सकते हैं कि आप हमारे एबीजी मेंबर हैं, और आप बैंक में ट्रेस करके समझ सकते हैं कि हाँ, इन्होंने पेमेंट किया है। जाने से पहले छह महीनों का पेंडिंग रहो या उससे पहले 2 साल का भी पेंडिंग रहो, वो तुम्हारे डेटा में तुम्हें मिल जाएगा। और कभी कंपनी तुम्हें लॉस नहीं करेगी, जो भी होगा तुम्हारे सामने होगा, और ऑलरेडी एग्रीमेंट पे तुम्हारा साइन है कि प्रॉफिट और लॉस में तुम लोग हिस्सेदार हो। मगर प्रॉफिट है तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, लॉस है तो लॉस की डिक्लेरेशन आपके सामने होगा। प्रॉफिट आपने डिक्लेयर किया था देने का वादा, जब डिक्लेयर हो गया है तो आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। मेरे भाई भेजा नहीं, आपने भेजा नहीं, अभी मिलेगा। अब आप लिखेंगे तो इंशाल्लाह चेक करेंगे तो मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। 1998 के वो मेरे मेंबर है, मेरी फैमिली है, सबको उनको पेमेंट मिलेगा। जैसा देखिए, अभी आपने जो डाला है ये इमरजेंसी को चक्कर, उस बेस पे तुम्हें विड्रॉल मिलेगा। अगर नहीं आप रुकते हैं तो बिजनेस में आप कंटिन्यू हैं, अगर आप नहीं कंटिन्यू कर रहे हैं तो डेटा आने के बाद आपको जो है पूरा पेमेंट मिल जाएगा। हिसाब किताब क्लियर कर दिया, वो लिंक हमारे पास है और वो लिंक हम चेक कर रहे हैं। और काफी लोगों को जो पार्शियल विड्रॉल वगैरह पेमेंट चल ही रहे हैं आज तक भी, ये डेटा हमने सुप्रीम कोर्ट को सबमिट भी किया है, मगर अभी भी जो बाकी है उनको
रहिएगा, किसी को कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अभी मैं फरवरी महीने के बाद यहाँ डिक्लेयर करूंगी इंशाल्लाह, क्योंकि फरवरी महीने का मैं वेट कर रही हूँ। आप सब दुआ करिए कि हमारे लिए डेटा के लिए बेहतर फैसला आ जाए। अल्लाह से दुआ करिए कि अल्लाह चाहे तो दो दिन में भी पूरा कर देगा इंशाल्लाह। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एक बात प्लीज, आप क्या है ना, अगर पेपर पे लिखे हैं कि हमको ये इमरजेंसी है करके एपीजी नंबर, खाली एपीजी नंबर, नाम भी जरूरत नहीं, तो मैं उस पर काम कर पाऊंगी। अगर आप ओरली ऐसा बोल देंगे हमें ये तकलीफ है परेशानी, तो मैं फरिश्ता तो नहीं हूँ कि मैं कुछ ये तो नहीं हूँ कि मैं उसको पहचान पाऊंगी। तो आप ऐसा लिख देंगे तो उस पर मैं देखकर अभी बैठूंगी, आपके पेपर लेके पूरी रात काम करूंगी, किसने क्या लिखा है, किसके एपीजी नंबर है, किस लिए, सब मैं काम करूंगी इंशाल्लाह। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है कि वापस हीरा ग्रुप की शुरुआत हुई, आप सब फिर से अपनी ऑफिस में बैठे हुए हैं यहाँ पर, और जो भी सुबह से हो रहा था, जो कुछ भी आपको तकलीफ पहुँची है, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ सबसे पहले। और हालात भी कंपनी के क्या थे वो आपको मालूम है, क्योंकि मैं कभी चाह कर ऐसा होना है करके मैंने नहीं किया, अगर करती तो वापस आती भी नहीं थी और आपको जवाब भी नहीं देती थी उस बात का। आज भी इंशाल्लाह मेरी फाइट है कि आप सबके लिए इंशाल्लाह ये मिले, और आपके जितने भी एपीजी दिए गए हैं इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर चेक कर आपका रिकॉर्ड में परफेक्ट है, तो इंशाल्लाह आप दो जगह पर कंप्लेंट में, यहाँ पर कंफ्यूजन क्या हो रहा है, कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में यार्ड हो गए हैं, कुछ लोग आके, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात थोड़ा, कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में यार्ड हो गए हैं, कुछ लोग SFIO को चले गए हैं, कुछ लोग हमारे पास हैं। सुप्रीम कोर्ट का आर्डर क्या है कि हीरा ग्रुप उन लोगों के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है जो उस पर भरोसा करते हैं, जो भरोसा नहीं करते हैं SFIO में DD को जमा करो। मैं जैसे बाहर निकलते ही 6 वीक का टाइम देकर मुझे DDs को जमा करने को कहा और सम सिक्योरिटी डिपॉजिट करने को कहा, क्योंकि उनको मालूम होता है हम छुपाएंगे ना, सुप्रीम कोर्ट छोटी कोर्ट नहीं है, कितना पैसा है कंपनी के पास, कितना नहीं है, कितना देना है, कितना नहीं देना है, सब मालूम है। तो वहाँ पर DDs को भी जमा किया। तो यहाँ पर अगर इनमें से SFIO में भी नहीं है और आप ना कंप्लेंट किए हैं, तो इंशाल्लाह आप समझ जाओ कि ज़रूर एक वीक में आपको कॉल आएगा और आपसे पूछा जाएगा। अगर आप बड़े इन्वेस्टर ही या कंपनी बोल सकती है कि 2 टाइम 3 टाइम दे सकती है, ये आप कंटिन्यू करें हैं, तो जो डिजिटल गोल्ड अभी हमारा लॉन्च हुआ है अल्लाह के फजल करम से, उस बिजनेस में आप ज़रूर कंटिन्यू हैं इंशाल्लाह। अब हमारा एक ही मसला बाकी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनके 249 बैंक अकाउंट्स को ओपन कर दो कंपनी के, और हाईकोर्ट ऑफ तेलंगाना ने ये FIR सब इलीगल ही करके आर्डर दिया, वो सब तुम जानते ही हैं, जो जो फेस किया वो सब आप जानते हैं, कभी कभी हो जाता है ज़िंदगी में, इससे हमें काफ़ी सबक भी और सीख भी मिल जाती है और हम उससे स्ट्रांग भी होते हैं कि हाँ ये सब कुछ है करके। मगर हमको सैल्यूट करना चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, जो बगैर एविडेंस के कोई कितने भी एलिगेशन लगा ले वो कुछ भी काम के नहीं है, भले कुछ टाइम लग गया मगर प्रूफ हो सकता है। तो आज भी आप लोग कोई घबराने की जरूरत नहीं, फिक्र करने की जरूरत, मैं आपके लिए आई हूँ यहाँ पर, मेरा कोई काम नहीं था। आज मुझे सुबह में 9 बजे मैसेज तक आया कि आज तो तुम्हारा जान चले जाएगा, ऐसा कर देंगे लोग करके बहुत सारी बातें आ गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह सार का भी बहुत शुक्रिया कि बहुत अच्छे से उन्होंने हैंडल किया है, और मैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इतनी अच्छी टीम काम किया, मतलब इतना मैं भी आकर देख कर मुझे भी नहीं मालूम था, क्योंकि जो आए थे वो लोग रजिस्ट्रेशन में भी नहीं, उनको सबमिट भी नहीं है, ओनली सब लोग अंदर आ गए, तो उस वक्त हमें कुछ भी नहीं कर सकते। कल से ये ऑफिस
10 बजे से 7 बजे तक खुली रहेगी। और इंशाल्लाह आप लोगों को जैसे सेंट्रल ऑफिस में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मिलता है, वो अपॉइंटमेंट को आप लेकर आकर आपके जरूरियात को हमारे स्टाफ के सामने बैठकर पूरे कर सकते हैं। यानी आपका घर खुल गया है, आपका दरवाजा महाराष्ट्र में खुल गया है इंशाल्लाह। और एक बात याद रखना कि अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी आपको लॉस करने के लिए कंपनी कभी भी नहीं सोचेगी। जो लोग रनिंग है इंशाल्लाह उनका उनके बच्चों का फ्यूचर डिजिटल गोल्ड में है। अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह आगे चलकर कंपनी बहुत काम करेगी। अगर ऐसा मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता मैं तुम्हारे सामने नहीं आती। वहां पे ही बोल देती थी कोर्ट में कि नहीं मैं इनको दे नहीं सकती, मेरे पास सोर्सेस नहीं है, जो करना कर लो, क्या करना है कर लो करके बोल के बोल दी तो और थोड़े दिन लड़के भेज देती थी। बात सीधी बात है। नहीं, मैंने 2.5 साल 27 एजेंसीज 27 टाइम अरेस्ट करके ईडी से लेकर हर चीज से लेकर मुझे इन्वेस्टिगेशन किया। मेरा एक ही जवाब था कि मुझे मेरे लोगों को पेमेंट करना है। यहाँ पेमेंट है, यहाँ गोल्ड है, यहाँ प्रॉपर्टीज है, यहाँ कंपनी के पास सोर्सेस है। मैं कुछ नहीं किया है, मैंने बिजनेस किया है, तिजारत किया है, मैं कभी फ्रॉड नहीं किया है करके मैंने क्लियर किया है। और मैं बस यही आप सबको बोलना चाहती हूँ इंशाल्लाह। और ये जो भी ये ही अगर आप रियल कस्टमर ही हम चक्कर एक बार चेक करेंगे SFIO से, अगर आपका वहाँ पर कुरियर में नहीं गया है तो आप हमारे लिए एप्लीकेबल होंगे। एक बार हम चेक करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जो एडिंग मेंबर ही उसमें, अगर आप वो लिस्ट में नहीं है तो आप एप्लीकेबल हो जाएंगे। उसके बाद जब काल आएगा आपको अगर 2 लाख है, अगर आप बोलते हैं कि इमरजेंसी में 50,000 चाहिए तो इंशाल्लाह कंपनी बगैर चेक करे बगैर डेटा के भी तुम्हारे लिए वो मदद कर सकती है। आज तक जब से बाहर आए हैं हजारों के लोगों को कंपनी पेमेंट करके और सुप्रीम कोर्ट को UTR के साथ बैंक स्टेटमेंट के साथ सबमिट की, वो भी हम चेकिंग करना पड़ेगा। इसके अंदर ये जो पेपर आप दिए हैं इस पर कल से काम शुरू होगा और कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है इंशाल्लाह। और एक बात भी याद रखिए, यूट्यूब पे बोलने से पैसे तो नहीं मिलेंगे, गालियां मुझे दे देंगे पैसे नहीं मिलेंगे, अगर मार भी डालेंगे पैसे नहीं मिलेंगे। अगर आपको जो जो मेरे से करना है कर लो, मैं तैयार हूँ तुम्हारे लिए। अगर तुम उसमें खुश हो जाते हैं तो मैं भी खुश हूँ, मुझे तुम्हारी खुशी जरूरत है इसीलिए मैं आई हूँ। मगर वो भी नहीं मिलेंगे, मगर हम कंपनी में सब मिलकर वापस काम करेंगे तो तुम्हारे पैसे आराम से मिल जाएंगे इंशाल्लाह, कहीं भी नहीं जाएंगे। कंपनी के पास अगर 10% लोगों को देना है तो 100% सोर्सेस हैं। मैंने सुप्रीम कोर्ट के सामने सील एनवेलप रख दिया है, 17 ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के ही, आप चाहे तो देख सकती हैं। उसका बार कोड भी हमने बना दिया है, QR कोड भी बना दिया है, वो QR कोड पे जाएंगे तो आपको 17 सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर मिलेंगे। तो उसमें मैंने टोटल सबमिट कर दिया है, ये मेरे कस्टमर है इनको मुझे देना है, जिनको देना है देना है, जिनको दे दिया है मुझे चेक करना है। सारे ऑर्डर्स जो है 17 सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के बाद QR कोड तैयार है, उसमें आप चेक कर सकते हैं। इसमें आपको तकलीफ पहुंचाने का मेरा एक राई के दाने का बराबर का भी इरादा नहीं। मैं जब अंदर भी थी मैं तहज्जुद की नमाज पढ़कर रात में 3 बजे यही दुआ करती थी कि अल्लाह मेरे सांसों को जिंदा इसलिए रखना कि मुझे जाकर लोगों की अमानतें अदा करना है, मुझे बेअमानत बनाकर जमीन से नहीं लेके जाना, मुझे अमानतदार बना के लेके जाना। मुझे ये दौलतें बहुत सारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो ऑफिस है पूरे इंडिया में जितने भी अभी मार्केट खुले वो पूरे हमारे वो नहीं रेंट के नहीं है, और वो बैंक से लिए गई प्रॉपर्टी है, कहीं किसी बगैर हिसाब के अनट्रेसेबल अमाउंट के कोई नहीं है, ना किसी ईडी के पास ना किसी के पास ऐसा प्रूफ नहीं है। लाइव जा रहा है, मैं खुला बोल रही हूँ ना कि कभी भी मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, ये मुझे यकीन है। मगर आप भी इंशाल्लाह थोड़ा सब्र कर लेंगे और बहुत जल्द सबके तकलीफों को हम हल करेंगे। मगर तुम्हारा सपोर्ट ही है, अल्लाह ने मुझे वापस लाया, फिर से ये लाइट सील दी, आपके जिंदगियों में भी रोशनी आएगी। और जो तुम्हारा पेमेंट है उसकी रोशनी आप पर या आपके बच्चों पे भी पड़ेगी इंशाल्लाह। और मुझे वो उम्मीद है कि कोई बंदा मेरे तक पहुंच ही नहीं पाएगा, मैं सबका क्लियर कर दूंगी तो मैं उसके घर को पैसा लेके जाऊंगी या किसी को भेजूंगी देकर कि चलो तुमने भूल गए थे, देखो लिस्ट में इतने लोग भूल गए उनको भी मुझे देना है, क्योंकि मुझे अल्लाह का भी डर है। मैंने जजेस को भी यही लेटर लिखा है कि मैं रेडी हूँ, मेरे पास देने को सब तैयार है, मगर सोर्सेस ऐसा बंद किए हुए मेरे 249 अकाउंट ओपन करो करके आप पढ़िए सुप्रीम कोर्ट का आर्डर, 3 बार सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया है। अब कहीं जाएंगे तो किसी और का लेटर चाहिए, बयान में बात को समझ नहीं पाती है, कोई बोलते हैं कोई और का लेटर चाहिए, ऐसी काफी चीजें आ रही हैं। मगर बहुत जल्द इंशाल्लाह फरवरी 9 को अल्लाह की फजल से हमें उम्मीद है अल्लाह की जात से जब तक हमारे सारे मसले खत्म हो जाएंगे। दूसरा एक इंच मसला है डेटा सेंटर का, मगर बगैर डेटा सेंटर के भी हमने पेमेंट किया है, खाली IBG को बैंक स्टेटमेंट को चेक करके कि ये बंदा अगर बैंक में, क्यों कभी भी आप जानते हैं कि हीरा ग्रुप ने 1 भी रुपया कैश आपको नहीं लिया,
अब जो दूसरे लोगों पे बहते हैं कि उसको दिया था, उन्हें एमडी था, उन्हें स्टाफ था, यहाँ एक मैनेजर बैठा था एग्जाम्पल, क्या तुमने वो मैनेजर को पैसे दिया है? नहीं ना, उस पर भड़कने का कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि तुमने हीरा ग्रुप के अकाउंट में पैसे दिया है। जब तुम्हें प्रॉफिट पे आता तो हीरा ग्रुप के अकाउंट से तुम्हारे अकाउंट में आता था, वो मैनेजर को तो नहीं जाता था, वो बेचारा सैलरी को काम करने वाला था। ये भी हमने सुप्रीम कोर्ट को सबमिट कर दिया है। इसलिए चारों तरफ मत भागो मेरे भाइयों, मैं तुमसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मैं तुम सबके लिए आई हूँ और मैं 10 दिन यहाँ पर बैठूंगी और हमारे शोरूम्स को ओपन करूंगी और रिस्टार्ट करूंगी। कल से हमारे वहाँ के ज्वेलरी के काम वगैरह सब स्टार्ट होंगे इंशाल्लाह, और अल्लाह की फजल तरफ से कंपनी को और इंटरनेशनल लेवल में डिजिटल गोल्ड को इसलिए लॉन्च की हूँ कि इसको इंटरनेशनल लेवल में मुझे लेके जाना। की फिक्र क्या जरूरत है करने, मगर मुझे रात दिन फिक्र है, क्योंकि मुझे मेरे देश की इकोनॉमी को ग्रोथ करना है और मेरे नौजवान बच्चों को जो है जॉब देना है और घर वालों को बेरोजगारियों को रोजगार। चलो मैं तो अंदर थी, हमारी कंपनी को तकलीफ हुई थी, जो पैंडमेटिक आया था उसमें कौन सी कंपनी आगे बढ़ी है मुझे बताओ? बड़े बड़े कंपनियां डूब गए, बड़े बड़े कंपनियां एक पैसा वापस नहीं किए, सब लोग एड्रेस तक नहीं है। इंशाल्लाह मैं तुम्हारे सामने क्यों आई हूँ आज, तुम्हें इंसाफ दिलाने के लिए और तुम्हारे पेमेंट्स को रिटर्न करने के लिए। और कंपनी के पास अल्लाह ने सोर्सेस दिया है, सुप्रीम कोर्ट के 17 ऑर्डर्स देख लीजिए, 17 ऑर्डर्स में मेरा अफिडेविट क्या है आप देख लीजिए। वो अफिडेविट में मैंने एक ही लिखा है कि मुझे मेरे लोगों को पेमेंट करना है, प्रॉपर्टियां सेल करने की इजाजत दे दो मुझे करना है, अकाउंट डीफ्रीज करो, 239 अकाउंट थी उसको डीफ्रीज करो, मुझे मेरे लोगों को पेमेंट करना है और अकाउंटों में पैसा पड़ा है, मेरे लोग क्यों तकलीफ उठाना है, और गोल्ड है जो भी है जैसे भी सेटलमेंट करना है मैं करूंगी, और इंशाल्लाह जो है अल्लाह की फजल से वो मेरा वादा पक्का है। आज मुझे मालूम था ये रिस्क होने वाला था, पूरी पब्लिक आएगी घेरेगी, क्योंकि आप 4 साल से 3 साल से एक तरफ मेरी तकलीफ को देख के बर्दाश्त किए ही, एक तरफ आके तुम अपने हालात से भी बर्दाश्त किए ही, मुझे ये भी मालूम था, मगर फिर भी मैं बोली इसको फेस करना जरूरी है। एक मिनट, आप जो भी साथ थी मैं उन सबके लिए दुआ, आप बात करिए, जरूर बात करिए मेरी बात के बाद, आप जो भी साथी मैं उसका शुक्रिया मैं अल्लाह के सामने अदा करूंगी, तुम्हारे सामने अदा करके कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि जो साथ खड़े थे, जो रोते थे, आप लोग कोर्ट्स में आते थे, मुझे देखते थे, तुम्हारे आंखों का आंसू, तुम्हारे हाथों में बॉटल पानी पकड़ के खड़ना, हर चीज मैं गौर करती थी, ऐसा नहीं कि मैंने गौर नहीं किया है, मगर अल्लाह से आज दुआ है, मैं बड़ी खुश हूँ कि अल्लाह ने फिर से हमारे लाइटों को चमकाया, फिर से हमारे मार्टों को चमकाया, फिर से अल्लाह ने हमारे शोरूमों को शुरू किया, फिर से अल्लाह ने हमारे बिजनेस को शुरू किया है। रब्बुल आलमीन इंशाल्लाह 3 साल जो डिले हुआ है हमारा ही नहीं बल्कि कोविड-19 की वजह से तुम्हारे शाफा भी नहीं चलेगी, जो शाफ चलाते थे, जो दुकान चलाते थे, जो बिजनेस करते थे, जो मजदूरी करते थे, वो मजदूरों की भी हालत खराब हो चुकी है। तो आज अल्लाह के फजल से हीरा ग्रुप सही सलामत से और चैलेंज करती हुई, वादा करती हुई तुम्हारे सामने आई है, तुमको पेमेंट करने को तैयार है। आज जिनके भी पेपर कलेक्ट हुए ही, आज 6 तारीख है, इंशाल्लाह 16 से 20 तारीख के अंदर तुम सबको कॉल आएगा, तुम्हारे इमरजेंसियों पर ख्याल किया जाएगा, और डेटा मिलने से पहले भी जिनको हम मुनासिब समझते हैं कि बीमार है, हेल्थ की इमरजेंसी, मैरिज की इमरजेंसी है, उनको कुछ ना कुछ मदद करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जी अच्छा सवाल किया भाई साहब ने कि देखो लोग आके अलग अलग एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, अलग अलग बातें कर रहे हैं। हमारा डेटा एक यूएसबी में नहीं था, हमारा डेटा एक पेनड्राइव में नहीं था, हमारा डेटा ऐसी एक बड़ी बिल्डिंग में हमारा डेटा का स्ट्रक्चरल डेटा था, और 2013 से लेकर 2023 तक डेटा का प्लान और उसके यूएसबी, उसके टीबी पूरे भी जो अब जो सॉफ्टवेयर जानते हैं उन्होंने तो ये बात को जानते रहे। अब लोग बोल रहे हैं कि वो यूएसबी में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा तो मैं सर्च कर पाऊंगी, आपके भी यूजर आईडीज और पासवर्ड थे उसमें आप सर्च कर पाएंगे, ये पॉसिबल नहीं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में हर बार फाइट हो रही है कि मुझे वही असेंबल करो जो चीज तुम लेके गए थे, मुझे पेनड्राइव में नहीं चाहिए क्योंकि वो डेड डेटा से मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे जिंदा डेटा चाहिए, लाइव डेटा चाहिए। जी जी इंशाल्लाह आमीन, अल्लाह ताला आपको बरकत दे, और सुनिए अल्लाह ताला आसानी करके रमजान में अल्लाह बहुत ही खुशियां तुम सबको दे, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि तुम्हें तकलीफ हो, इंशाल्लाह जरूर से जरूर से। जी 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 बिल्कुल 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 जी जी बिल्कुल, एक मिनट जरा, मैं देखो मैं ही वही बात बता रही हूँ, मैं आपको तकलीफ देना नहीं चाहती, और आपको तकलीफ आई थी मैं अंदर जाने के बाद,
जब मैं बाहर थी तो कभी तुमको तकलीफ ये एक दिन के लिए आई थी तो मुझे बताना वो दिन लिखकर कि तुमने 20 साल कंपनी चलाई, ये महीने में हमें तकलीफ आई थी, ये रात में हमें तकलीफ आई थी, ये दिन में हमें तकलीफ आई थी, ये फलाने वक्त में तू जरूरत को मांगे कोई तो 24 घंटों में उनके पेमेंट अकाउंट में चले जाते थे। तुमको तकलीफ आई थी, मैं अरेस्ट हो जाने के बाद, सारी चीजें बंद होने के बाद तकलीफ आई, और मैं आकर ये एक साल हो गया जब से मैं ये क्लीनिंग में लगी हूँ, ये इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करने में लगी हूँ, जब से मैं ये ऑफिस के लिए लगी हूँ, आज दरवाजे तुम्हारे लिए खुल चुके हैं। अल्लाह से दुआ है कि इंशाल्लाह मैं बेहतर से बेहतर तुम्हारे लिए काम करके बताऊंगी। और देखो, जब तक के सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट नहीं आता, मैं पूरा डिक्लेरेशन नहीं करके तुमको पेमेंट कर सकती हूँ। हाँ, वक्तिया तौर पे कर सकती हूँ, जरूरत के लिए कर सकती हूँ, जो भी है। जब सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला आ जाएगा जी, उससे आप बैंक का स्टेटमेंट प्लीज, एक मिनट, बिल्कुल बिल्कुल, मेडिकल इमरजेंसी नहीं, घर की भी जरूरत है तो हम एक पेमेंट करने की कोशिश करेंगे बैंक का स्टेटमेंट चेक करके, क्योंकि अभी हमारे पास डेटा नहीं है, बैंक का स्टेटमेंट हमारे पास सोर्स है, उस सोर्स से चेक करके हम तुम्हारे लिए देने की कोशिश पूरी करेंगे। मगर कंटिन्यूसली कंपनी पहले कैसा ये दिन में हजारों लोगों का पेमेंट, लाखों लोगों का पेमेंट करती थी, वैसा करने के लिए डेटा पूरी असेंबल होना जरूरी है। मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है मार्च के महीने में ये हो जाना चाहिए हमको इंशाल्लाह, या फरवरी में हो जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से बार बार हमारा वही आर्ग्यूमेंट है, इंशाल्लाह हमारी इंसाफ होगी, क्योंकि डेटा अगर ये भी होता है तो डेटा के लिए लेने में सोर्सेस भी है, उसके लिए भी आप फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बस सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का, फाइनल जजमेंट का वेटिंग मैं इंशाल्लाह कर रही हूँ। जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नहीं, अभी आपने जितने लोगों ने पेपर्स को जमा किया है ना भाई, कि सुनिए, अभी मैं बैठूंगी, वो सारे आईबीजी नंबर्स निकालेंगे, उसको चेक करेंगे, उसमें आपके मोबाइल नंबर निकलेंगे, डेटा निकलेंगे, जो भी बेसिक हमारे पास है इंफॉर्मेशन। जी, एक मिनट, मैं अभी भी समझाती हूँ। देखिए, इतनी एक्सेल सीट तो हमारे पास है कि इन्हें एबीजी मेंबर है क्या नहीं है हम समझ सकते हैं। अच्छा, आपकी तरफ से जो वेबसाइट आया था जिसके अंदर यूनिट शेयर सब अपलोड करके, जी उसको आपकी वेबसाइट पे अपलोड करके, हमारे पास सुनिए, हमारे पास कस्टमर के एबीजी मेंबर, सुनिए, डेटा किसको बोलते हैं जी, एक मिनट, डेटा किसको बोलते हैं? आपका ट्रांसैक्शन, आपका लेना, आपका देना, आपका विड्रॉल, आपका गोल्ड परचेस करना, आपका फुटेक्स परचेस करना, हर चीज डेटा में होती है। आपका रिकॉर्ड, एक मिनट, आपका रिकॉर्ड, उसमें तुम्हारा बैलेंस क्या है, वो हमारे लिए डेटा जरूरत है। अब हमें इतना पहचान सकते हैं कि आप हमारे एबीजी मेंबर हैं, और आप बैंक में ट्रेस करके समझ सकते हैं कि हाँ, इन्होंने पेमेंट किया है हमको।
الكون الذي أسأل الله بالعلم تاريخ ومجد بيتكرر اسأل عنا كسرى وقيصر دعسات بتعرفها خيبر هي تاريخ ومجد بيتكرر اسأل عنا كسرى وقيصر دعسات بتعرفها خيبر هي نخويهم أسيادك لا ترحم خاين ببلادك أهل نخويهم أسيادك أمتنا ما هي مهزومة عالشمس بتبقى مرسومة والقدس بترجع مكرومة أمتنا ما هي مهزومة عالشمس بتبقى مرسومة والقدس بترجع مكرومة عدالي ما منسى وجهك اصرخ وهتف للظالم عالعدالي ما منسى وجهك شد العزيمة بالصبر وازرع نصرك لو بالقبر وبكرا نسلك يحمي النصر شد العزيمة بالصبر وازرع نصرك لو بالقبر وبكرا نسلك يحمي النصر أهل النخوي هم أسيادك
الشمس بتبقى مرسومة والقدس بترجع مكرومة هي أمتنا ما هي مهزومة عالشمس بتبقى مرسومة والقدس بترجع مكرومة هي للظالم عالعدل ما منسى وجهك اصرخ وهدف للظالم عالعدل ما منسى وجهك شد العزيمة بالصبر وازرع نصرك لو بالجبر وبكرا نسلك يحمي النصر وهيك شد العزيمة بالصبر وازرع نصرك لو بالجبر وبكرا نسلك يحمي النصر وهيك لو بالجبر وبكرا نسلك يحمي النصر وهيك
عد العازم بالصبر وازرع نصرك لو بالقبر بكرا نسلك يحمي النصر. الكون الذي أسأل الله بالعون ليه
الكون الذي أسأل الله بالعون تاريخ ومجد بيتكرر اسأل عنا كسرى وقيصر دعسات بتعرفها خيبر هي تاريخ ومجد بيتكرر اسأل عنا كسرى وقيصر دعسات بتعرفها خيبر نخويهم أزيادك إيه لا ترحم خاين ببلادك أهل النخويهم أزيادك إيه أمتنا ما هي مهزومة عالشمس بتبقى مرسومة والقدس بترجع مكرومة إيه أمتنا ما هي مهزومة عالشمس بتبقى مرسومة والقدس بترجع مكرومة إيه للظالم عالعدالة ما منساوه هيك اصرخ واهتف للظالم عالعدالة ما منساوه هيك شد العزيمة بالصبر وازرع نصرك لو بالقبر وبكرا نسلك يحمي النصر هيك شد العزيمة بالصبر وازرع نصرك لو بالقبر وبكرا نسلك يحمي النصر Go.